वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे थे, आज वो खत्म हो जाएगी। उसका क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है उसका, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स साइज 111 की फॉर्म में है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट आपको सिद्ध करना है a टू पावर n इक्वल टू 3 टू पावर n माइनस 1, 3 टू पावर n माइनस 1, 3 टू पावर n माइनस 1। आज अपन हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को बाद में पढ़ाएंगे, उनका टाइमिंग है उसके हिसाब से। वो क्या है, इतने दिन सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से क्लास कम हो पा रही थी, एक साथ पढ़ाना पड़ रहा था, ठीक है। आज सेपरेट है क्लास है। और जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है, मानते हैं अपन, माना pn बराबर a की पावर n, अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध करेंगे, n माइनस ये हो गया आपका 3 टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे 3 टू पावर n माइनस 1, 3 टू पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी ऐसे n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है। अब अपन क्या बात करेंगे, n बराबर 1 के लिए बात करेंगे। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, अब क्लियर आ रहा है, ठीक है। n बराबर 1 के लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल टू a टू पावर 1, तो यहाँ पे 3 टू पावर 1 माइनस 1, देखिए 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 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 1, 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 इसका मतलब क्या हुआ, आता है आपको पता है a बराबर 3 लगा था तो सिद्ध हो गया ना, n बराबर 1 के लिए हो गया ना काम, आता है अपने n बराबर 1 किसने रखा है, तो ये आ गया ना वापस, आता है n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। अब क्या बात करेंगे अपन, n बराबर किसके लिए, n बराबर अपन बात करेंगे कि k के लिए वो पहले से सत्य है, माना n बराबर k के लिए, k के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन दिया गया कथन सत्य है, तो कैसे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, p ऑफ k बराबर a की पावर k इक्वल टू 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1, ठीक है। हाँ ऐसे ही यहाँ पे होगा, 3 की घात k माइनस 1, 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 3 की घात k माइनस 1 चल रहा है। हाँ ओके, यहाँ पे इसको अपन इक्वेशन का लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब n बराबर k प्लस 1 के लिए,
एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे चलते हैं। सर कर लिए ओके सर वाले तो कर लिए। अच्छा और बात नहीं बेटा बहुत बढ़िया। आप देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपन LHS लेके चलेंगे a टू पावर k प्लस वन हो जाएगा उसको लिखेंगे a टू पावर k इनटू a की पावर a टू पावर 3 टू पावर k माइनस 1 3 टू पावर k माइनस 1 3 टू पावर k माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा वन 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 वन। ठीक है देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है इस पंक्ति को इस स्तंभ से जुड़ा करेंगे इसको इससे जुड़ा करेंगे। देखिए सब चीज एक ही आएगी तीन की घात ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 की पावर k माइनस 1 फिर 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 तीनों ऐड करने में डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 * 3 की पावर k माइनस 1 होगा नहीं होगा लेकिन 3 * 3 की पावर k माइनस 1 होगा ऐसे यहां पे भी 3 * 3 की पावर k माइनस 1 आएगा 3 * 3 की पावर k माइनस 1 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 अरे तीन बार आएंगे ना अरे ये इससे प्लस सॉरी ये इससे तो कितना आएगा 3 * 3 की पावर k माइनस 1 आएगा इनके के साथ तो यहां पे भी ऐसा ही 3 * 3 की पावर k माइनस 1 3 * 3 की पावर k माइनस 1 3 * 3 की पावर k माइनस 1 एक बार यस और नो में कमेंट करो ये बात समझ में आ गई क्या सभी के। हाँ अभी कितना हो जाएगा 3 टू पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1 देखो k प्लस 1 माइनस 1 देखो ऐसे लिखो k प्लस 1 माइनस 1 फिर यहाँ पे भी k प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे भी k प्लस 1 माइनस 1 देखिए सोल्व नहीं करेंगे अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 से 1 कट गया 3 की पावर क्या आ गया ऐसे नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे आपको पता है इस k की जगह क्या लाना है k प्लस 1 लाना है इस k की जगह क्या लाना है k प्लस 1 लाना है तो ध्यान रखिए आप सोल्व नहीं करेंगे इसको 1 से 1 नहीं काटना है आपको पता है k की जगह क्या लाना है k प्लस 1 लाना है अगर आपने काट दिया तो आपको वापस एक इसके वापस लिखनी पड़ेगी अगर मान लो आप गलती से 1 से 1 काट दिया तो आपको वापस से एक स्टेप लिखनी पड़ेगी ठीक है अब बताओ यहां पे भी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 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 और ये हो गया क्वेश्चन आपका क्या बोलेंगे लास्ट में लिखोगे
अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए अतः है n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। और लास्ट में लिखे होंगे अतः है a टू पावर n इक्वल टू k टू पावर n माइनस 1 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 ये प्रूफ होगा किसके लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए क्या हो गया प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सबके लिए सत्य होगा वो सबके लिए क्या होगा सत्य होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर आ गए टेन वाले में आ जाइएगा वाला क्वेश्चन है। एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है जिसका वह दो बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। यदि एक्स वाई तथा जेड के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना 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 है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आवृत बीज की सहायता से ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन यदि उपयुक्त तीन वस्तु की प्रत्येक इकाई की लागत मूल्य इतनी है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये तो छोटे क्लासों का क्वेश्चन है कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है आपको मैं बता देता हूं लेकिन आपको इसको मैट्रिक्स मेथड से करना है। टेन नंबर का क्वेश्चन है अगर अपन इसकी बात करें हाँ जी अपन पहले पार्ट के लिए बात कर लेते हैं अपन ठीक है। देखिए बाजार फेस्ट के लिए एक्स प्रकार की वस्तुएं वाई प्रकार की वस्तुएं जेड प्रकार की वस्तुएं कितनी इतनी बेचेंगे अपन ठीक है इतनी इतनी अपने बेचेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास अपने यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा वस्तुओं के लिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा उसको अपन ए लिख लेते हैं सिंपल कितना हो गया 10,000 2,000 8,000 6,000 20,000 और 8,000 ठीक है। अब आपको पता है प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्यों के लिए मैट्रिक्स वो आपकी क्या हो जाएगी उसको अपन क्या मान लेते हैं आर मान लो या फिर क्या मान लो बी मान लो या तो आर मान लो या फिर क्या मान लो बी मान लो ठीक है। हाँ कुछ भी मान सकते हैं उसको चाहे बी मान लो आप बी मान लिया अपन ने कितना कितना रुपया है उसका रुपया है 2.5 रुपए 1 रुपया 1 रुपया 2.5 1.5 1.00। अब आपको पता है देखिए स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें
अपन बात करें यहाँ पे b इक्वल टू कितना है 2.50 1.50 लिया, ये बाजार फर्स्ट के लिए, b किसके लिए है, बाजार फर्स्ट के लिए है, ये बाजार किसके लिए सेकंड के लिए है। देखिए ये x टाइप की हो गई, x टाइप की वस्तुएं हो गई, एक सेकंड रुकना बेटा एक बार ना, देखिए यहाँ पे ये बाजार पहले वाले के लिए, ये बाजार दूसरे वाले के लिए, ये x प्रकार की वस्तुएं हैं, 10,000 वस्तुएं उत्पादन हुआ 10,000 वस्तुओं का, ये y प्रकार की बाजार पहला चल रहा है, ये z प्रकार का। जैसे मान लो बाजार अपने पास, मान लो एक तो गणपति प्लाज्मा है और एक मान लो गणपति प्लाजा है और एक मान लो नायसर प्लाजा है, तो यहाँ पे ये गणपति प्लाजा में एक्स प्रकार के मोबाइल, वाई प्रकार के मोबाइल, जेड प्रकार के मोबाइल। अब एक्स प्रकार का मोबाइल वो 250 रुपए में बेच, 1.5 रुपए बेच रहे, ऐसे मोबाइल बेच 250 रुपए में तो दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन बता रहा हूँ 2.5 में अगर एक का 2.5 विक्रय मूल्य है तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 12 कर देंगे, एक का 1.5 रुपए है तो 2,000 से कर देंगे, एक का 18,000 है तो आपकी जो कुल आय आएगी वो कितनी आएगी, अगर बात करें कुल आय है ना, वो कितनी हो जाएगी आपकी, ए इंटू बी हो जाएगी, मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ए इंटू भी हो जाएगा, ठीक है, हाँ ए इंटू भी हो गया। तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, कुल आय आय कितनी हो जाएगी आपकी, ए इंटू भी, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 10,000 और 6,000 2,000 20,000 18,000 8,000 और ये कितनी हो जाएगी आपकी 2.50 1.50 1.00। आपको पता है ये कौन से ऑर्डर का है, 3 × 1 का है, और ये कौन से ऑर्डर का है, 2 × 3 का है, ठीक है, जो नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन सा ऑर्डर का आएगा, 2 × 1 का आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा 2 × 1 का आ जाएगा, हाँ। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है इस रो को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया बताइए, 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से। अब 2.5 से मल्टीप्लाई कितना होगा बता सकते हो आप, 25। इस पॉइंट का तो मतलब ही नहीं है ना, पॉइंट को लिखाई जाओ ना, पॉइंट क्या मतलब है, मैंने लिखा इसे अच्छा सही लिखा सही लिखा, हाँ 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 सही निकला है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस जीरो से तो मतलब नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, 2.5 से इसको गुणा करके कितना आएगा, देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो है तो 3 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब इसको 1.5 से गुणा कर देंगे तो 15×30, ठीक है, 3 जीरो की बढ़ गई है, और यहाँ पे इसको गुणा करके 18,000, अब इसको गुणा करके 25 × 150 और 2 जीरो गुणा जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसको इससे गुणा करके कितना 150 30, तो 3 3 और ये कितना आ गया आपके पास, 1, 2, 3, 4 जीरो है ना, अब उसके बाद ये 8,000 आ गया, कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 25,000 और 3,000 28,000, 2,800 कितना होता है 46,000 रुपए, और इसका बोलो 15,000 और 3,000, 15,000 नहीं 15×45 = 53,000, 53,000 तो अपन क्या बोलेंगे, एक्स वस्तु या बाजार एक्स के लिए विक्रय मूल्य,
कैसे बोलेंगे? बाजार प्राइस के लिए आय, आय बोलो, आय का मतलब कितना पैसा आ रहा है। 30,000 की जगह 3,000 आएगा सर, कैसे आएगा चेक करते हैं। इस 1.5 को सूची में डाल दिया। अच्छा क्यों आएगा 30,000 ये है? अब देखो प्राइस के लिए आय कितनी हो जाएगी? 46,000 रुपए। पहले के लिए कितनी हो जाएगी? आय का मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य से है। अरे ये क्या था? विक्रय मूल्य तो था, और यहाँ पे बोल सकते हैं विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य है, ठीक है। और बाजार सेकेंडरी के लिए आय, आय वो कितनी हो जाएगी? विक्रय मूल्य आपका 53,000 रुपए, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बी मैट्रिक्स को 1/3 कैसे लिखेगा तू? नहीं लिख सकता ना, नहीं लिख सकता। हाँ अब इसका बी वाला क्वेश्चन, इसका जो बी पार्ट है ए मैट्रिक्स तो वही रहेगा, लेकिन अब की बार क्या है? लागत, लागत के लिए आ गया, लागत मूल्यों के लिए, लागत मूल्यों के लिए मैट्रिक्स, के लिए मैट्रिक्स। अपन इसको सी लिख लेते हैं। सी कितना है आपका? एक इकाई के लागत मूल्य है 2 रुपया 1.50 रुपए, 2.00, 1.0, 0.50, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर बात करें अपन कुल लागत, कुल लागत यानी कि क्रय मूल्य, लागत के क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए इंटू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2.0, इसको 2.0 लिख लो। वैसे इस जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, 1.0, 0.5, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। इस जीरो का आगे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, इनको गुणा करेंगे, 10,000 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 2,000 को 2 से गुणा करेंगे 4,000 आ जाएगा। 18,000 को 2 से गुणा, अच्छा घट गया ना, 2,000 को 1 से 2,000 आ जाएगा, और 18,000 को 0.5 से 9,000 आ जाएगा। यहाँ पे आओ, 2 इसका 12,000 आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, नहीं 20,000 आ जाएगा, और ये 4,000 आ जाएगा। तो ये 20,000 हो गया, ये 38,000 हो गया, इतना हो गया 20,000 हो गया, और ये कितना हो गया? 12,000, 32,000, 32,000 36,000 रुपये हो गए, 36,000 रुपये हो गए। बाजार प्राइस के लिए लागत मूल्य के लिए, के लिए लागत मूल्य, और लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कितनी हो गई? 31,000। और बाजार सेकंड के लिए लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, वो कितना हो गया? 36,000।
अब आपको पता है 36,000 हो गया है। मेरे को ऐसे बताओ इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। देखिए वैसे लिखने का इसमें है कुछ नहीं, इजी चीज है, क्वेश्चन ही बड़ा हो गया लेकिन है इजी। अब आपको इसमें पूछा कि लाभ कितना होगा। जैसे मान लीजिए दुकानदार 500 रुपए में कोई चीज खरीद के लाता है, मान लीजिए वो मुंबई से कोई गिफ्ट खरीद के लाया 500 रुपए का, उसकी लागत मूल्य कितनी है दुकानदार की थी 500 रुपए, और मान लीजिए वो 800 रुपए में आपको बेच देता है तो उसकी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 800 रुपए, तो बताओ लाभ कितने रुपए का होगा। 500 में खरीदा था दुकानदार ने, 800 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ बताओ ना। अरे 500 में खरीद के 800 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ 300 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ 300 रुपए का लाभ हुआ। अपने को लाभ निकालना है तो क्या लिखेंगे, बाजार बाजार फेस्ट के लिए कुल लाभ कितना हो जाएगा। आपको पता है विक्रय मूल्य कितना आया था पहले वाले में 46,000 आया था क्या, तो 46,000 में से क्या माइनस कर देंगे आप, 46,000 माइनस कितना माइनस इसको हटाने हैं के लिए कुल लाभ 46,000 में से आप माइनस कर देंगे 31,000, कितना आ गया ये 9,56,000 रुपया आ गया। और बाजार सेकिंग के लिए निकालोगे, बाजार सेकिंग के लिए कुल लाभ कितना आ जाएगा, 53,000 में से आप माइनस कर दोगे 36,000, तो कितना आ गया 4,37,000 रुपये। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यस और नो में कमेंट कर दो बात समझ में आ गई क्या। इसका 12वां क्वेश्चन बच गया, ऑफलाइन आ सकते हैं क्या बेटा, अभी नहीं ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। अब मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल हो जाएगा, कोई एग्जांपल पूछ लेता ना रिजवाना, वो एग्जांपल हो जाएगा ना, ऐसा एग्जांपल था जो आप पूछ रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, यदि एक तथा भी समान कोटि के वर्ग का इस प्रकार के एपी बराबर दिए तो गणितीय आग्रह द्वारा सिद्ध कीजिए कि एपी की बात ये होना चाहिए इसके अपेक्षित। अच्छा दो क्वेश्चन करने हैं इसमें दो क्वेश्चन करने हैं 12वें क्वेश्चन में, तो मैं पहले पहला पार्ट बता रहा हूँ, 12वें क्वेश्चन में पहला पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एबी बराबर बी ए दे रहे हैं आपको, एबी बराबर बी ए, सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है एबी की पावर एन, एबी की पावर एन इक्वल टू बी एन की पावर ए, जहां पे एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। देखिए मैं एक बताऊंगा, हाँ बेटा बता दूंगा एग्जाम्पल ही बता दूंगा ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं, वैसे इजी है एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल अलग होगा, एग्जाम्पल ही बता दूंगा। हाँ देखिए तो ये हो गया आपके पास, हाँ तो क्या कहेंगे अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन क्या बोलेंगे, माना पी एन बराबर ए बी की पावर एन
इसको स्टेटमेंट मान लेंगे अपन। देखिए ऐसे लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे पी एन, या सिंपल ऐसे देखो पी एन बराबर ए बी की पावर है इक्वल टू बी एन की पावर ए, ठीक है। एन बराबर ए के लिए बात करेंगे, एन बराबर ए के लिए तो पी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी की पावर वन इक्वल टू बी वन की पावर ए, यानी कितना हो गया ए बी इक्वल टू बी ए हो गया है, समझ में आ गया होगी बात। अतः एन बराबर, आपको पता है ए बी बराबर बी ए पहले से दे रखा है, अतः एन बराबर ए के लिए क्या हो जाएगा, एन बराबर एक के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। माना एन बराबर के लिए, एन बराबर के लिए दिया गया कथन, दिया गया कथन सत्य है, इसके लिए क्या कहेंगे p of k बराबर a a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k इनटू a, समीकरण नंबर 1। अब इसके लिए बात करेंगे, अब a बराबर k प्लस 1 के लिए बात करेंगे, ठीक है। मैं LHS लेके चल रहा हूँ, LHS आपकी ये होगी, LHS आपकी ये होगी, RHS आपकी ये होगी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b की पावर k प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा a b की पावर k इनटू b, ठीक है। हाँ, अब समीकरण नंबर 1 से बताओ a b की पावर k को क्या b की पावर k इनटू a लिख सकता हूँ, तो b की पावर k इनटू a, और साथ में क्या आ गया है b आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया आपका, हाँ ये समीकरण एक से लिख दिया है। अब आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा b की पावर k, और आपको ये भी पता है b की पावर k इंटू ए बी है, ये हो गया। अब मैं b की पावर k इसको ए बी को क्या मैं बी ए भी तो लिख सकता हूँ, ए बी को बी, आपको पता बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एड हो जाएगी, दिया गया। क्या यही तो बता था आपको, अरे एन की जगह आपने के प्लस वन लिखा, एन की जगह आपने के प्लस वन लिखा तो एन की जगह क्या आ गया के प्लस वन आ गया, तो क्या बोलेंगे, अतः है एन बराबर, अतः है एन बराबर के प्लस वन के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, अतः a b पावर है b n पावर है a, ठीक है। कब होगा n बिलोंग्स टू n के लिए। अब सुनो इसका जो दूसरा वाला सिद्ध करना है, कौन सा वाला करना है इसका सिद्ध, दूसरा वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a b की पावर है b b n a n b n a n b n, तो आप क्या करेंगे a b इक्वल टू b a लिख देंगे, a b इक्वल टू b a, इसकी जगह ये सिद्ध करना है और बाकी सारा काम आपको करना है। क्या कर सकते हो क्या, एक बार यस और नो में कमेंट करो, बस ये सिद्ध करना हो जाएगा, एक बार यस और नो में कमेंट करो। हाँ जी, अब जो बच्ची बच गई है एक दो चीज, वो कल अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल चैप्टर स्टार्ट लास्ट की 10 मिनट होगी, कल जो पढ़ाएंगे मंडे को।